भिवंडी के कामतघर परिसर के फेना गांव में पिछले कई वर्षों से स्थानीय रहवासियों को शौचालय की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, जिसकी खबर स्थानीय समाज सेवक विठोवा बिल्ला नाइक को लगते ही इस कार्य की चर्चा भाजपा नगर सेवक सुमित पाटिल को साथ लेकर मनपा आयुक्त से की, जिसको मूलभूत सुविधा अंतर्गत लेकर मनपा आयुक्त ने दुरुस्त करने का आदेश दे दिया और दुरुस्ती के बाद इस शौचालय का शुभारंभ नाइक फाउंडेशन के अध्यक्ष विठोबा बिल्ला नाइक व कपिल पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित पाटिल के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपस्थित आयोजकों और स्थानिकों ने विठोबा बिल्ला नाइक और सुमित पाटिल का स्वागत सम्मान किया। इस कार्य को मुख्यतः सफल बनाने हेतु विठल जाधव, नरेश दायमा, गोकुल पाटिल, सुदाम धुमाल, काथोड़ धुमाल, आकाश पाटिल, प्रवीण धुमाल, नीलेश पाटिल का विशेष योगदान रहा। लोकल को ज्यादा तकलीफ लेडीज को है, इसके लिए जा फेने गांव में सार्वजनिक स्वच्छता गृहचार्ज उद्घाटन समारंभ हुआ है और खास करके सुमित दादा पाटिल इनका हाथों से उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे फेना गांव में जो स्वच्छता गृह है उस कई सालों से उसका मतलब रिवेजेशन का काम था, रिवेजेशन नहीं हुआ था, बहुत ख़राब हुआ था। यहाँ के जनता ने हम लोग से गौर लगाई थी ताकि हम लोग को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और इतने ख़राब जो शौचालय है उसके बारे में आप ज़रा सुनो। तो उनके माध्यम से हम लोग नाइक फाउंडेशन और कपिल पाटिल फाउंडेशन माध्यम से यहाँ के लोगों की जो समस्या थी, जो टॉयलेट बाथरूम के लिए लोगों को जंगल में जाना पड़ता था और 3 महीने से पूरा शौचालय बंद ही था, रिवेजेशन का काम चालू था और इस माध्यम से सुमित दादा पाटिल का खास करके हाथ है। हम लोग ने काफ़ी पत्रव्यवहार करने के बाद में इस काम के लिए कई टाइम पे सुमित दादा के पास तकदार लगाया था ताकि इस लोगों की काफ़ी समस्या इनके बारे में सोचो। जल्द से जल्द ये काम 3 महीने के अंदर पूरा हो गया और यहाँ के लोगों के लिए रात की बात मतलब मिल गई। जो लोगों को जंगल में जाना पड़ता लेटरिन बाथरूम के लिए, आज वो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो गए। रिवेशन काम होने के बाद में अच्छे से काम हुआ है और आज यहाँ पे सार्वजनिक स्वच्छता गृह का उद्घाटन समारंभ आज सुमित दादा पाटिल और खास करके यहाँ के वरिष्ठ नागरिक जो गोकुल पाटिल साहब है और काथुर पाटिल साहब है, सुदाम पाटिल साहब है, इनके सभी माध्यम से आज यहाँ पे इस उद्घाटन समारोह में हो गया। इतना मैं जाहिर करना चाहता हूँ का कि आज सार्वजनिक स्वच्छता गृह का उद्घाटन हुआ, ऐसे मैं आज जाहिर करता हूँ। आज गए 6 महीने पहले से ही यहाँ के स्थानिक लोग स्वच्छता गृह से वंचित थे, जैसे बिल्ला नाइक साहब ने बताया कि हमारे यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, काथोड़ काका है, नाइक काका है और यहाँ के जो आकाश है, हमारा प्रवीण है, ये लोगों ने बहुत सारा फॉलोअप करके, जब मैं सभागृह नेता था तभी जिला नाइक और उनकी टीम और ये सभी जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे पास आए थे मेरे सभागृह नेता के दालन में, वहाँ पे उन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे एक स्वच्छता गृह है तो वो बहुत बुरी परिस्थिति में है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, वो वैसे ही पड़ा है। तो मैंने माननीय आयुक्त साहब तभी मसाल साहब थे, तो मसाल साहब से मैंने गुहार लगाई कि सर ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट है, लोगों को खास करके महिलाओं को सुविधा हो रही है, शौचालय जाने के लिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है।
तो माननीय आयुक्त साहब ने मेरा शब्द, मेरा पत्र और हमारा मान सम्मान, कपिल पटेल फाउंडेशन हो, नाइक फाउंडेशन हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तो ये आज एक अच्छा स्वच्छता गृह मुझे लगता है यहाँ पे बना है। और लोगों की जो असुविधा हुई थी वो सुविधा देने का मौका इन लोगों ने हमें दिया, इसके लिए मैं सभी यहाँ के रहिवासियों का धन्यवाद देता हूँ। कितने साल से रह रहे हैं और क्या तकलीफ थी? यहाँ 15 साल से हम लोग रह रहे हैं। यहाँ बाथरूम की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, यहाँ बहुत कचरा हो गया था, इसके लिए औरत लोग को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और हम लोग नाम भारतीय हैं, ना कि यहाँ के हैं, हम लोग भाड़े से रूम लेके यहाँ पे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं। आज भी रोड एकदम टूटा हुआ है, नगर सेवक यहाँ 5 साल रहे, कभी देखने नहीं। अभी जो ये बना है उसके बारे में क्या? अभी जो बना उस समय वो अच्छा बना, एकदम साफ सफाई भी अच्छा है और टाइल व्हील भी अच्छी लगी, नीचे का भी एकदम काम अच्छा से हुआ और पेंटिंग का काम भी अच्छे से हुआ। जो नाम है आपका? यहाँ रहते हैं, कितने साल से बाथरूम का तकलीफ था? हाँ, और अभी जो बना है वो?